हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई नो दैट अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज आप सबको हैप्पी दीपावली। ठीक है, आज दीपावली है जो मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही माना जाने वाला पर्व है। मतलब बहुत ही शान से और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो क्या है दीपावली, कैसे होता है, आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, दीपावली अगर सही तरीके से अगर समझ लो तो इस चीज का मतलब समझो, दीपावली जो दियो का पर्व है, दीपावली होता है रियलिटी में। इस पर्व में अगर सही समझे तो श्री गणेश भगवान और श्री लक्ष्मी माँ का पूजा होता है। तो आज का जो पर्व होता है दोस्त, अगर सही तरीके से समझो तो दीपक का दिवाली होता है और चारों साइड रोशनी और लाइट। तो इस चीज से समझ सकते हो कि दीपावली एक कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार है। अगर आप एक चीज को ऐसे समझो कि अगर जो दीपक होता है, जिसको हम लोग दिया बोलते हैं, अगर दीपक भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब दीपक में इतना पावर होता है दोस्त कि अपने पास जहां भी जलता है, ठीक है, जहां भी जलता है खुद को अंधेरे में रख के सारी दुनिया को रोशन करता है। ठीक है, तो आज इसी का पर्व होने वाला है, दिवाली है यार दोस्त। तो अच्छे से मनाओ दीपावली को और एंजॉय करो 2020 का दीपावली, अच्छा होगा। क्योंकि कोरोना के बाद जो फर्स्ट फेस्टिवल होने जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो अच्छे से मनाओ, एंजॉय करो, बी सेफ, ठीक है, और अपने सेफ्टी का ध्यान भी रखो। और इस चीज़ के बारे में समझना थोड़ा कि जो दीपावली है इसका इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना, क्योंकि इन्वायरमेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखोगे तो जो अपना प्रदूषण है, क्योंकि दीपावली के दिन बहुत सारा बम वम जो होता है इसका पॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्त इससे भी बचना, कि अगर अपना इन्वायरमेंट साफ रहेगा और अपना जो भी ऑक्सीजन का सब कुछ रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट से ही होता है, तो अपना लाइफ अपना जीवन भी इन्वायरमेंट से रिकॉर्ड मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रदूषित ना करें। और आज का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्त जिस देश में रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो इंडिया का ही सामान यूज करो। जो चाइना वाइना का सामान है, बाइकट चाइना हो चुका है, इसके चाइना वाइना का कोई सामान नहीं यूज करना है दोस्त। तो इंडिया का सामान ही यूज करना, क्योंकि अगर आप उससे यूज करते हो तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके घर का दीपावली भी अच्छा होगा और उनका त्यौहार भी बहुत ही अच्छे से गुजरेगा और अपने इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। तो दोस्त हैप्पी दीपावली आप सबको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स।